तो भैया आज रिलीज हुई थी डंकी मूवी, तो उसके लिए भैया हमने तो काम बंद कर दिया जल्दी से, क्योंकि हमको देखनी थी मूवी डंकी, तो हम निकल चुके हैं अपना काम बंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इसलिए दिन में टिकट तो मिल नहीं सकी, तो इसलिए लेट नाइट की टिकट ली है 9 से 12, तो आज उसी के लिए जा रहे हैं दोनों भाई। हम दोनों जा रहे हैं मूवी देखने आज डंकी 9 से 12, तो मूवी पहुँच कर देखते हैं क्या माहौल है थिएटर का, कितना भरा हुआ है, कैसा खाली है। हम दोनों जा रहे हैं अभी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ये देखो गाइस, बहुत सारी पब्लिक आ रही है क्योंकि अभी शो ख़त्म हुआ है, इसलिए अभी शो ख़त्म हुआ है लो वाला, तो बहुत सारी भीड़ है गाइस। और ये सालार का गेट बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, ये दिख रहा है भीड़ बहुत सारी है। और हम देखना है डंकी, तो अपना थिएटर इधर है जिस पर हमने देखनी है डंकी, ये रही। एंट्री चालू है, लंबी लाइन है, 12 बजे आ खड़ो है पीछे। तो अनस को लगा दिया मैं लाइन पे, अनस लग गया लाइन में, लंबी लाइन थी, तो मैं आ गया हूँ इधर चिप्स वगैरह लेने कुछ मूवी के लिए, यहाँ से खरीदेंगे हम चिप्स वगैरह कुछ। गाइस हम आ चुके हैं अंदर, एंट्री हो गए, तो हम जा रहे हैं अंदर थिएटर के लिए, और अभी एंट्री चालू नहीं हुई अंदर के लिए, तो सब यहीं पर इंतजार कर रहे हैं एंट्री का। तो गाइस हम दोनों को तो मिल चुकी है अपनी सीट, और हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। आकर हम बैठे हैं अपनी सीट पर, और समय हो चुका है राष्ट्रीय गान का। तो गाइस इंटरवल हो चुका है, और हम जा रहे हैं अभी बाहर कुछ लेने के लिए दोबारा से। हाँ यह बाहर यहाँ पर सारी भीड़ है। वार्ड डंकी का पोस्टर, फाइनली फिल्म ख़त्म हो चुकी है, और कितना लंबा पोस्टर लगाया है डंकी का, बहुत ऊंचा पोस्टर लगा हुआ है। लास्ट होता हो चुका है ख़त्म, और हम जा आ गए हैं बाहर, वापस जाएंगे, निकल रहे हैं क्योंकि लगभग 12:30 बज चुके हैं, सालार का गेट है इसी में से निकलेंगे। बहुत सारी पब्लिक है गाइस, अभी सब लेट नाइट लिख लिया। तो हम दोनों मूवी देख के आए थे, मूवी ख़त्म हो चुकी है। मूवी कैसी लगी अनस? बढ़िया, एक नंबर। अनस के लिए एक नंबर लगी है मूवी, और जिसने ना देखी है, देखो यार मूवी अच्छी है, इमोशनल कर दिया यार मूवी ने, घर की याद दिला दी है कुछ। जाना पड़ेगा भाई अब, कह रहे अनस। तो अनस भाई कब जा रहे हो फिर गाँव? ईद बजाने ही, कह रहे हैं यार हम तो अपने देश में ही हैं। तो भैया अपने देश में ही रहो, वही अच्छा है यार, क्योंकि वो देश वाला सीन यार कुछ इमोशनल कर गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और ब्लॉग में किसी और जगह पर। सी यू सून, बाय बाय।